गाइस, स्वागत है आपके इस न्यू व्लॉग पे, न्यू वीडियो पे। टाइटल आपने पढ़ लिया है, थंबनेल आपने देख लिया है, सो जान गए होंगे कि किसकी आज ये वीडियो है। सो आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। दिखाई दे रहा है नहीं? हाँ, ये एक कैमरा है जो अभी मैंने ख़रीदा है, निकॉन से लिया है मैंने, मतलब निकॉन कंपनी का है, क्रोमा से लिया, और बहुत अच्छा कैमरा है। मैं अभी इसकी अनबॉक्सिंग करूँगा और आपको दिखाऊँगा इसके स्पेसिफिकेशन, हाउ टू यूज़ इट, जनरल यूज़ के लिए बताऊँगा आपको। सो एंजॉय करिए, देखते रहिए इस वीडियो को, टिल देन देखिए वीडियो। पूरा सेट है ये, और ये निकॉन का सेट है, आप देख सकते हैं, जैसे निकॉन D5600 बहुत अच्छा कैमरा है। ये आज के डेट में सोनी का हुआ है ना, मैं नाम भूल रहा हूँ, सॉरी गाइस, सोनी का 200D, हाँ 200D से कंपेयर है आज के डेट में। सो बताते हैं कुछ कस्टमर्स की, ये बहुत अच्छा कैमरा है, सो आप यूज़ करिए। तो मैं बेसिकली गाइस, इसको मैंने क्रोमा से लिया है, तो क्रोमा में मुझे, मतलब मैं सोनी का वही 200D लेने गया था, लेकिन वहाँ पे मुझे ये थोड़ा ज़्यादा पसंद आ गया, तो मैंने, आप जानते हैं, जो मुझे पसंद आ जाती है तो मैं उसको ले ही लेता हूँ, तो मैंने ये ले लिया। तो उसके साथ गाइस मुझे ये पावर बैंक फ्री मिला, ये पावर बैंक 1 TB का है, तो ये मुझे फ्री मिला उसके साथ, इसके साथ। और ये तो बैग है ही, ये बैग मुझे मिला है निकॉन का, और मुझे एक और गिफ्ट मिली है फ्री, ये कैमरे पे पूरे आ नहीं रही है, ये गॉड्स का एक बैग है बाइकिंग के लिए, ये तो मुझे एक वहाँ से फ्री मिला, ये आपको अभी दिखाई नहीं दे रहा है, जब राइड करूँगा तब देखिएगा, तो ये मुझे वहाँ पे फ्री मिला। सो लेट्स स्टार्ट द अनबॉक्स। मैंने थोड़ी सी लाइट चेंज कर दी क्योंकि वो थोड़ी सी डिम थी, तो चलिए शुरू करते हैं अनबॉक्स का। तो हम आज इसका करेंगे और इसका करेंगे, तो पहले देख लें बॉक्स में क्या है, इसके स्पेसिफिकेशंस क्या है। ये है, इसमें वाईफाई बिल्ट इन है, ब्लूटूथ है, HDMI है, एंड्रॉयड से कनेक्टेड हो सकता है, मेड फॉर आईपॉड, आईफोन, आईपैड के लिए भी ये है। और देख सकते हैं एसेसरीज़ डिफरेंट लैंग्वेजेस में गिवन है, ये लैंग्वेज जैसे आप देख सकते हैं, ये एसेसरीज़ है। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, सो ये आप देख सकते हैं, आपको वारंटी गारंटी विद बैटरी मिल जाएगी। तो निकालते हैं, ये पूरा वारंटी यूजर मैनुअल देख सकते हैं। ये पूरी वारंटी गारंटी, ये आप अपने पास रखिएगा दोस्तों, क्योंकि कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, सो कीप इट विथ यू। ये बैटरी है, बैटरी देख सकते हैं, बैटरी ठीक ठाक है, बहुत अच्छे ढंग से केयर की गई है, बढ़िया। ये बैटरी है, और ये एक देख सकते हैं, ये बेसिकली गाइस डुअल किट है, मतलब आपको ये एक टू फॉर्म्स में मिलेंगे, एक सिंगल किट और एक डुअल किट। तो ये डुअल किट मतलब आपको एक्सटर्नल, मतलब एक एक्स्ट्रा लेंस मिल जाएगा। तो ये देख सकते हैं गाइस, ये मेन बॉडी है कैमरे की, ये हाँ, तो साइड में रखते हैं, ये मेन बॉडी है गाइस निकॉन कैमरा।
ये गाइस फ्लिप स्क्रीन है, ये आप सेल्फी भी ऐसे ले सकते हैं, ये ऐसे, हाँ। चलिए गाइस अभी ये मतलब आते हैं इस पे। और गाइस ये आपको एक्सटर्नल मतलब एक एक्स्ट्रा माइक मिल जाएगा, एक्स्ट्रा लेंस मिल जाएगा। ये देखिए इतना बड़ा, मेरे हाथ में भी ठीक से नहीं आ रहा है ये एक्स्ट्रा माइक है। और ये बेसिकली 72-300 mm है, मतलब 72-300 mm तक दूर फोकस कर सकता है। तो ये माइक है, ये सॉरी स्क्रीन लेंस है उसका, इसको और गाइस ये आपको एसडी कार्ड मिल गया फ्री, ये एसडी कार्ड है, ये देख सकते हैं आप 16 GB का है, बढ़िया है। और ये गाइस एक चार्जर है, चार्जर है, ये बहुत अच्छा चार्जर है गाइस। ये आप मतलब वायर की ज़रूरत नहीं है, एक पूरा लॉन्ग वायर, ये आप डायरेक्ट सॉकेट से कनेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी चार्जर है, यूनिक टेक्नोलॉजी है। और ये गाइस जो स्टैंडर्ड लेंस है कैमरे का, ये वो है, ये वो लेंस देख सकते हैं, 18-55 का फोकस है, मतलब 18-55 mm फोकस निकॉन का है, बढ़िया है, स्टैंडर्ड लेंस है ये। और बॉक्स में यही सब थे गाइस, ये कैमरा वैमरा सब था। देखते हैं ये वाला अनबॉक्स करते हैं, ये जो फ्री मिला है, फ्री वाले को हम लोग कैसे भूल सकते हैं, फ्री वाले तो चाहिए। हाँ ये बेसिकली ब्लू कलर है गाइस, ब्लू कलर में, ये इसका यूज़र मैनुअल, कोई पढ़ता नहीं है गाइस। ये देखिए कितना अच्छा कलर लग रहा है। देख सकते हैं ये फ्लिप स्क्रीन है, बहुत अच्छा है ये, बहुत यूज़फुल है गाइस, ये मुझे बहुत ज़रूरत थी कोई भी ब्लॉग या वीडियो बनाने के लिए, फ्लिप कैमरा बहुत ज़रूरी था। सो चलिए ऑन करते हैं इसको, देखते हैं क्या है। ये इसका लेंस है, ये मैंने अभी स्टैंडर्ड लेंस लगाया है, तो ये ऑन यहाँ से होता है, ये देखिए ऑन हो गया गाइस। सो ये हमें इसको दबाना पड़ेगा, ये अभी बहुत सारे मोड है, तो ये अभी ऑटो मोड है, फिर फ्लैश मोड है, फिर एफएक्स मोड है, फिर सीन मोड है। मतलब एफएक्स और सीन मोड ये मोड है कि मतलब इसमें आप मतलब मैं आपको दिखाई दूँ, मतलब आप स्क्रीन चेंज कर सकते हैं, जैसे ये है। तो अभी पहले मुझे लेंस बाहर निकालना होगा, ये लेंस इधर से निकलता है, इसे आप फिर से फोकस करेंगे तो ये इसको क्लिक करके आवाज़ आएगी ऐसे, तो ये ऐसे निकलेगा लेंस। तो ये है वो लेंस, देख सकते हैं।
ये अभी अभी ये मतलब इस मोड पे है। ऑटो मोड पे गाइस आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि इसमें मतलब सब जो आप वीडियो खींचेंगे कैमरा खींचेंगे सो वो कैमरे के अकॉर्डिंग लाइट के अकॉर्डिंग जज होगी, मतलब कैमरा खुद जज करेगा, आप नहीं करेंगे। तो ये लाइव मोड पे आ जाएगा, ये हो सकता है, ये है, ये गाइस आपका होल थ्रू आपके मतलब आँखों मतलब आँख से आप देख सकते हैं, ये है, ये सब कुछ गाइस इंफॉर्मेशन बटन है, ये लॉक स्क्रीन वाला बटन है, ये मेन्यू बार है गाइस, और ये ओके सिलेक्शन मतलब सिलेक्शन के लिए, ये आपका मीडिया फाइल मतलब मीडिया में आप देख सकते हैं जैसे वीडियो, ये मैंने अभी फ़ोटो खींची काफ़ी अच्छी है, मैंने मतलब फोकस ज़्यादा कैमरे का यूज़ किया, बढ़िया है, अच्छी लगी मुझे। और ये गाइस आप डिलीट ये सब ऑप्शन देख सकते हैं, जैसे आप ये है तो आप इसको डिलीट कर सकते हैं जैसे टच दबा के, और ये गाइस हेल्प बटन होगा, ये हेल्प बटन, और गाइस इसमें एक ये भी है जैसे साइड में देख सकते हैं गाइस, ये फ्लैश के लिए बटन है ऑन ऑफ, ये गाइस आपको डायरेक्ट मेनू बार में ले जाएगा, जैसे आप इसमें देख सकते हैं कि आपको अपनी पिक्चर क्वालिटी सिंगल फ्रेम रखनी है कि लार्ज रखनी है कि हाई रखनी है,
कि मतलब क्वांटिटी उनकी ज़्यादा होनी चाहिए और 10 सेकंड पे कैमरा स्टार्ट होगा। तो ये बोलते हैं इसको क्विक बटन। तो ये वो है। और गाइस ये इसका इधर माइक है, आप एक्सटर्नल माइक भी लगा सकते हैं। इधर का मतलब माइक का जैक दिया हुआ है, ये माइक है, ये यूएसबी लगा सकते हैं और ये माइक्रोफोन, हाँ माइक्रोफोन। और ये गाइस आप वाईफाई से भी कनेक्ट कर सकते हैं, ब्लूटूथ से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये थी गाइस बेसिक इसकी मतलब कैसे यूज़ करते हैं, बस ऐसा गाइडलाइन। सो अगर आपको पूरा फंक्शन जानना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो मैं उसकी एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा तो जिसमें वो पूरा फंक्शन बताएगा। सो ये थी वीडियो गाइस। और अभी मैं आपको दूसरा लेंस से भी अभी मैं आपको इस लेंस और जो बड़ा वाला लेंस है इसका कंपैरिजन बताऊंगा। सो देख लीजिएगा अभी आप वीडियो क्वालिटी पिक्चर क्वालिटी। सो ये है, सो देखते जाइए। मैं नहाया नहीं सो इसीलिए ऐसा लग रहा है, लेकिन अच्छी पिक्चर क्वालिटी ये देख सकते हैं। ये दूर का भी फोकस करता है, मुझे भी फोकस कर रहा है और दूर का भी फोकस करता है। तो अच्छी है, अच्छा कैमरा क्वालिटी है, आप देख सकते हैं। सो व्लॉगिंग के लिए बहुत अच्छा कैमरा है गाइस ये, सो बढ़िया है। चलिए मुझे एक अच्छा कैमरा मिल गया तो बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आएंगी, आप देखते जाइए। दूसरा लेंस का मैं अभी बताता हूँ अभी आपको कि दूसरा लेंस कैसा है, देखिए। सो इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। सो अच्छा कैमरा है, मैंने क्रोमा से लिया था, बहुत बढ़िया कैमरा है, ठीक है। अब मेरे आने वाले वीडियो में ये मैं मतलब इसी से करूँगा आने वाले ब्लॉग्स। सो देखते जाइए, लाइक करते जाइए, शेयर करते जाइए और सपोर्ट कीजिए गाइस, क्योंकि मैंने जिससे पहले वाले वीडियो में उतना सपोर्ट नहीं आया था। तो अगर मान लीजिए इस वीडियो को मतलब ये तो बस बेसिक फंक्शन थे कैमरे के, सो अगर आपको मतलब पूरे प्रॉपर फंक्शन, पूरे मॉडिफिकेशन, मतलब पूरा जो फंक्शनिंग है डे, मतलब उसके वो सब जानने, तो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो अगर वो अगर आपको देखना है तो कमेंट सेक्शन पे आप मुझे बता दीजिए, तो मैं उसको उस पर वर्क करूँगा। और देखते जाइए आने वाले समय में और नए नए वीडियो आते रहेंगे, ठीक है। ओके, साइनिंग आउट हिमांशु, बाय।
ओके।